आगे एक सार्वजनिक पेशाब खाना था जहां से तेज बदबू आ रही थी। 10 कदम और आगे चलने पर 64 नंबर कोठे के ठीक सामने चाय वाले की आमदनी दुकान थी। चाय की दुकान से 5 कदम हटकर अधेड़ उम्र की दरमियाना कद की पार्वती खड़ी थी। उसकी उम्र 45 साल के करीब लग रही थी। वह सड़क के बगल से होकर गुजरने वाले ऐसे राहगीरों को इशारा करके बुला रही थी जो लाल टपकाती निगाहों से कोठे की तरफ देख रहे थे। पार्वती की आंखें और गाल अंदर की तरफ धंसने लगे थे। चेहरे पर सिकुड़ने के निशान साफ साफ झलकने लगे थे। अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी छोटी छोटी काली आंखों में काजल लगाया हुआ था। गर्मी की वजह से पार्वती का शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां सजी हुई थी। सोने की बड़ी बड़ी बालियां कानों से नीचे कंधे तक लटक रही थी। वह लाल रंग की साड़ी में ढकी हुई थी ताकि ग्राहकों को आसानी से अपनी तरफ खींच सके। पिछले 3 घंटे से पार्वती यूं ही चाय की दुकान के बगल में खड़ी होकर राहगीरों को अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया था। पार्वती को आज से 10 साल पहले तक ग्राहकों को फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। आज से 28-29 साल पहले जब पार्वती इस कोठे में आई थी तो उसको सबसे ऊपरी मंजिल यानी 4थी मंजिल पर रखा गया था, जहां 3 सालों तक उसकी निगरानी होती रही। वहां तो वह बेंच पर बैठी रहती थी और सिंगार भी बहुत कम करती थी। फिर भी ग्राहक खुद उसके पास बिना बुलाए आ जाते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि इक्का दुक्का ग्राहक ही फंस पाते हैं। जो धंधे वालियाँ अब अधेड़ उम्र की हो गई हैं, वे सबसे निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दी गई हैं। 4थी और 3री मंजिल पर सभी नई उम्र की धंधे वालियाँ बाजार को संवारती हैं। 2री मंजिल पर 25 से लेकर 40 साल की उम्र तक की धंधे वालियाँ हैं और सबसे निचली मंजिल पर 40 साल से ज़्यादा उम्र की धंधे वालियाँ रहती हैं, जो किसी तरह अपनी उम्र इस कोठे में गुजार रही हैं। ऊपरी मंजिलों पर जहाँ लड़कियाँ एक बार में ही 400-500 से ज़्यादा रुपये ऐठती थी, वहीं पार्वती को सिर्फ 50-100 रुपये पर संतोष करना पड़ता था। उसमें से भी आधा पैसा तो कोठे की मालकिन यमुना बाई को चुकाना पड़ता था। आज जब पुराना जाना पहचाना ग्राहक रामवीर, जिसकी करोल बाग में कपड़ों की खानदानी दुकान है, पार्वती को देखकर बड़ी तेजी से शक्ल छुपाता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया तो पार्वती को बहुत दुख हुआ। वह उन दिनों को याद करने लगी जब रामवीर की शादी नहीं हुई थी। तब वह अक्सर अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए पार्वती के पास आता था। अब पिछले कुछ महीने से एक बार फिर उसने इस कोठे में आना जाना शुरू किया है, लेकिन रंग रंगलियाँ नई उम्र की लड़कियों के साथ ऊपरी मंजिल पर मनाता है। मंटू जैसे 50 से भी ज़्यादा पुराने ग्राहक थे जो पार्वती की तरह ही 45 साल से ज़्यादा के हो चुके थे। इनके बच्चे भी जवान हो गए थे, लेकिन ये लोग भी हफ्ते में 1-2 बार 64 नंबर के कोठे में हाजिरी देते थे। इनमें से कई चेहरे पार्वती को अच्छी तरीके से याद हैं, वे अभी तक इन्हें नहीं भूल पाई है। इन ग्राहकों में से कुछ की प्यार मोहब्बत वाली घिसी पिटी बातें आज तक पार्वती के कानों में गूंजती रहती हैं। लेकिन अब जब ये लोग पार्वती को देखकर तेज कदमों से ऊपर की मंजिलों पर चले जाते हैं तो वह टूट जाती है। पार्वती नेपाल के एक खूबसूरत गांव से यहाँ आई थी। कोठे की दुनिया में फंसकर वह सिगरेट शराब पीने लगी थी। इसके बाद वह जिंदगी की सारी कमाई अपने आशिकों, दलालों और सहेलियों के साथ पी गई। पार्वती के साथ 10 और लड़कियां भी नेपाल से यहाँ आई थी। आधी से ज्यादा लड़कियां अपना 50 साल का समय पूरा करके वापस लौट गई और दूर दराज के पहाड़ी गांवों में अपने भविष्य को संवार चुकी थी। लेकिन पार्वती की बदकिस्मती ने उसको इस दलदल से निकलने ही नहीं दिया। दुनिया में देह धंधा ही एक ऐसा पेशा है जहां पर अनुभव और समय बढ़ने के साथ आमदनी और जिस्म फरोशी की कीमत में गिरावट हो जाती है। नई उम्र की धंधे वालियों को तो मुंह मांगा पैसा मिल जाता है। पार्वती जब 16 साल की थी तो उसको 4थी मंजिल पर जगह मिली थी। उसके बाद 3री मंजिल 2री मंजिल पर आ गई और अब 1ली मंजिल की अंधेरी कोठरी में आकर अटक गई है, जहाँ पर बाहरी दुनिया को झांकने के लिए एक खिड़की तक नहीं है। जब दिल नहीं लगता था तो पार्वती शीतल से बात करती थी, जो उसी के साथ नेपाल से यहाँ आई थी। शीतल की एक बेटी थी
जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था। उस लड़की ने एक साल पहले अपनी माँ का कारोबार संभाल लिया था और चौथी मंजिल पर अपना बाजार लगाती थी। उसके पास ही तीसरे बिस्तर पर सलमा रहती थी, जो राजस्थान के सीकर जिले से आई 25 साल पहले यहाँ आई थी। उसको भी किसी अजनबी से एक बेटा पैदा हो गया था। बेटा अब माँ का सहारा बन गया था। उसको तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। अब वह लड़का दलाली का काम करने लगा था। वह अजमेरी गेट, कमला मार्केट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ग्राहकों की तलाश में मंडराता रहता था। वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। कभी कभार तो वह ग्राहक से हजारों रुपए ऐट लेता था। दूसरी तरफ लक्ष्मी बैठती थी, जो तेलंगाना के करीमनगर से पार्वती के जमाने में यहाँ आई थी। उसकी हालत कमोबेश पार्वती जैसी ही थी। पार्वती की तरह ही लक्ष्मी को भी अजनबी से कोई औलाद नहीं हो पाई थी। पार्वती की यही तीनों सबसे अच्छी सहेलियां थी, जो अपना सुख दुख बांटती थी। यही पार्वती का एक छोटा सा संसार था, एक छोटा सा समाज था। पार्वती का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू से काफी ऊपर एक सुंदर पहाड़ी गांव में हुआ था। गांव काफी चढ़ाई पर था, जहां पर तब 3 दिन तक पैदल चलकर पहुंचने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। लोग वहां से रोजगार की तलाश में मैदान और तराई के हिस्से में आते थे, क्योंकि गांव में जीविका का कोई भी अच्छा जरिया नहीं था। पार्वती के माँ बाप भी गांव के ज्यादातर लोगों की तरह गरीब थे और उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह खेती पर ही निर्भर रहती थी। जब पार्वती 10 साल की थी तो उसके पिता बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से चल बसे। अब घर में काम करने वालों में माँ अकेली बच गई थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में माँ को काफी पसीना बहाना पड़ता था। वह पूरा दिन अपने छोटे से खेत में काम करती थी और बकरियां और भेड़े पालती थी। पार्वती कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। पार्वती के घर से थोड़ा सा हटकर धर्म बहादुर का घर था। उसका घर दूर से देखने पर ही किसी सुखी अमीर आदमी का घर लगता था। धर्म बहादुर हर साल 6 महीने के लिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला जाता था और पैसा कमाकर गर्मी के मौसम में घर लौट आता था। उसके बीवी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे। पार्वती की माँ की नज़र में धर्म बहादुर मेहनती और नेक दिल इंसान था। एक बार धर्म बहादुर दिल्ली से घर लौटा तो उसने पार्वती की माँ से कहा, अब तो पार्वती 15 साल की हो गई है, अगर वह मेरे साथ दिल्ली जाती है तो उसको अपनी जान पहचान के सेठ जी के घर में बच्चों का ख्याल रखने का काम दिला देगा। उनका बच्चा छोटा है, पार्वती बच्चे की देखरेख करेगी, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा और 2 सालों के अंदर वह मेरे साथ गांव वापस आ जाएगी। माँ ने कुछ सोच विचार किया और फिर वह मान गई, क्योंकि धर्म बहादुर एक अच्छा पड़ोसी था और माँ को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। पार्वती के मन में भी अब दिल्ली जाने की लालसा जागने लगी थी। वह अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, चेहरे पर खूबसूरती चढ़ने लगी थी। वह दिल्ली के बारे में काफ़ी सुन चुकी थी, अब उसे अपनी आँखों से देखना चाहती थी। उसी सर्दी में माँ ने पार्वती को धर्म बहादुर के साथ दिल्ली भेज दिया, क्योंकि वह उनका पड़ोसी था और पार्वती का दूर का चाचा भी लगता था, इसलिए माँ को उस पर यकीन करती थी। पार्वती के पिता के मर जाने के बाद वह उन दोनों की थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। धर्म बहादुर पार्वती को हिमालय के आगोश में बसे हुए इस छोटे से पहाड़ी गांव से उतार कर सीधा दिल्ली के जीबी रोड के इस 64 नंबर कोठे में ले आया। अब अल्लड़ और भोली भाली पार्वती को मालूम हुआ कि वह तो एक दलाल के हाथ में फंस गई है। धर्म बहादुर 64 नंबर कोठे की 4थी मंजिल पर धंधे वालियों से नकदी वसूल कर बक्से में रखता था और यमुना बाई को हिसाब किताब दिया करता था। वह यमुना बाई के लिए कई सालों से काम करता आ रहा था। इस तरह से पार्वती कोठे की बदबूदार दुनिया में फंस गई थी। इस घटना ने उसकी जिंदगी के रुख को पूरब से पश्चिम की तरफ मोड़ दिया था। धर्म बहादुर ने कुछ पैसा माँ को ईमानदारी से पहुँचा दिया था, लेकिन पार्वती दिल से काफ़ी टूट गई थी। धर्म बहादुर ही उसकी जिंदगी का पहला ऐसा मर्द था जिसने उसे कच्ची कली से फूल बना दिया था। और फिर उसके बाद यमुना बाई को एक सेठ ने शगुन में मोटी रकम दी और वह इस मासूम कली को 2 हफ्ते तक चूसता रहा। वह चाहकर भी यह सब नहीं रोक सकी थी। इसके बाद तो पार्वती पूरी तरह से खिल चुकी थी। उदासी और डर की दुनिया से 3 महीने के अंदर ही बाहर निकल आई और कोटे की रंगीन दुनिया में इस तरह खो गई
कि 30 साल किस तरह बीते इसका उसे पता भी नहीं चला। हाँ, यहाँ आने के 3 साल बाद एक बार घर लौटी थी, पर तब तक माँ बहुत बीमार हो चुकी थी। बेटी के घर लौटते ही माँ 1 महीने के अंदर ही चल बसी। जब वह ज्यादा चिंतित होती थी तो सलमा उसको हिम्मत बंधाते हुए कहती थी, मेरा बेटा है ना, तुमको भी कुछ होगा तो मदद करेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक हम दोनों एक साथ रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी। तुम रोती क्यों हो? हम तवायफों की जिंदगी ही ऐसी है, इस पर रोना धोना बेकार है। अपनी सहेलियों की ऐसी बातों को सुनकर पार्वती ने आंसू सुखा लिए और अगले दिन के धंधे के बारे में सोचने लगी। शाम को चारों सहेलियां मिलकर शराब खरीदती थी और नशे में खोने की कोशिश करती थी, लेकिन शराब भी उन पर कुछ असर नहीं कर पाती थी। अपने पुश्तैनी घर के सामने के बगीचे, पेड़ पौधे, पहाड़ पर झरने के उन सुंदर नज़ारों को काफ़ी याद किया करती थी। उन्हें देखने की काफ़ी चाहत होती थी, लेकिन वह ऐसे कैदखाने में बंद थी जहां शुरुआती दिनों की तरह अब ताला नहीं लगता था। लेकिन इतने सालों के बाद इस कैदखाने से आज़ाद होकर भी अपने आप को अंदर से गुलाम महसूस करती थी। अब वह चाहकर भी कहीं जा नहीं पाती थी। सुबह हो गई थी, अचानक पार्वती की नींद टूट गई। ऊपरी मंजिल से नेपाली लड़कियों के रोने की आवाज कानों में गूंजने लगी। वह उठकर बैठ गई और आंखों को मलते हुए सोचने लगी, ये लड़कियां मेरी हम वतन क्यों रो रही हैं? कोई लड़की ऊपर मर तो नहीं गई? पार्वती दौड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वहां पर पहुंची वैसे ही पाया कि कई लड़कियां जोर जोर से छाती पीट कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि आज सुबह काठमांडू के आसपास एक विनाशकारी भूकंप आया है और सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत सारे घर तहस नहस हो गए हैं और हजारों की तादाद में लोग मर गए हैं। इसमें से कई लड़कियों के सगे संबंधी भी मर गए थे। सामने वीर बहादुर चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसको देखकर पार्वती ने पूछा, तू क्यों आंसू बहा रहा है? तेरा भी कोई सगा संबंधी भूकंप की चपेट में आ गया है क्या? इस पर वीर बहादुर के मुंह से कुछ शब्द निकले, मेरा मौसेरा भाई धर्म बहादुर भी अपनी बीवी बच्चों समेत घर में दबकर मर गया है। गांव में काफी लोग भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं, सब कुछ तबाह हो गया। इतना कहकर वीर बहादुर रोने लगा, लेकिन पार्वती की आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं निकले। उसके गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर बिखरने लगी। इसे देखकर वीर बहादुर काफी अचरज में पड़ गया, किंतु पार्वती पर इन लोगों के रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन पार्वती ने सुबह के 10 बजे बैग में अपना सारा सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। उसकी सहेलियां शीतल, लक्ष्मी और सलमा की आंखों में आंसू टपक रहे थे। इतने सालों बाद वह अपनी सहेलियों को नम आंखों से विदाई दे रही थी। वीर बहादुर 3री मंजिल से पार्वती की तरफ टकटकी निगाहें लगाए देख रहा था। सामने सलीम चाय वाले ने एक पान लगाकर पार्वती को दे दिया। पार्वती पान को शान से चबाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों के अंदर ही वह हमेशा के लिए इन लोगों की नजरों से ओझल हो गई। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।